तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है उसके अंदर जो फिल्टर की हुई फोटो को आप अपनी गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर आपको कई सारे फिल्टर मिलते हैं। कुछ फिल्टर इतने अच्छे होते हैं कि आप उन फोटो को डायरेक्ट अपनी गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जब भी इंस्टाग्राम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप जब भी स्टोरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी फिल्टर को सेव किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी फिल्टर को यूज करके आप अपने फोटो को गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे आपको उस फिल्टर के अंदर चले जाना है और उस फिल्टर के अंदर जाने के बाद आप उस फोटो को अब गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस फोटो को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर ये जो 3 डॉट दिख दे रहे हैं आप उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद आप अपनी गैलरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जिस भी फोटो को यहाँ पे खींचा है वो फोटो यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जब भी गैलरी के अंदर कोई भी फोटो इस प्रकार से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे आप डायरेक्ट उसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो फोटो है वो डायरेक्ट आपकी जो गैलरी है उसके अंदर मिल जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।